और लेबनान के रॉकेट अटैक के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट ने सैन्य अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है और सैन्य अधिकारियों ने बाद में नेतन्याहू सुरक्षा कैबिनेट के साथ भी एक अलग से बैठक की और रणनीति पर विचार विमर्श किया। लेबनान की तरफ से इसराइल पर 34 रॉकेट फायर किए जाने की खबर है। ये वीडियो इसराइल के सलोमी का है जहाँ एक रॉकेट गैस स्टेशन पर आकर गिरा। तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। लेबनान से रॉकेट अटैक के बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट एक्शन में हैं। दोनों शीर्ष नेताओं ने सुरक्षा हालातों के साथ संकट से निपटने की रणनीति पर कैबिनेट की बैठक की। नेतन्याहू का कहना है कि दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी होगी। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी की तरफ से और रॉकेट दागे जा सकते हैं। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में इसी बीच अलक्सा में शांति की अपील की। इसराइली सेना के मुताबिक गाजा के हमास आतंकवादी समूह से जुड़े 4 स्थलों पर बमबारी की थी। इस बीच लेबनानी समूह के हिजबुल्लाह ने एक तस्वीर जारी कर भड़काऊ बयान जारी करते हुए हथियारों के दम पर जीने मरने की बात कही है। इधर हमास ने यरूशलम और गाजा के खिलाफ यरूशलम और अक्सा अटैक पर खुली चेतावनी दी है। अलक्सा मस्जिद पर इसराइल के हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति रायसी ने भी OIC की आपातकालीन बैठक बुलाई। इब्राहिम रायसी ने कब्जे वाली फिलिस्तीन क्षेत्रों में यथास्थिति बहाल करने को लेकर आपात बैठक की।